Hey guys, what's व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक वंस अगेन टू स्टडी विद आशीष मेरा नाम है आशीषी अजदेवन एंड दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एज यू गाइज ऑल नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन राइट नाउ लेटेस्ट बिगिन फिथ दिस लेसन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम याद रखिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करने सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑफ ऑल दी न्यू वीडियोज दैट आई अपलोड राइट right. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सभी के सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन वी आर डूइंग इट एज पर दी ए फाउंडेशन सिलेबस राइट यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई टू हैंडल्स दैट इज स्टडी विद आशीष एंड आशीष सच देव रील्स एंड यू कैन टॉक टू मी ओवर देयर नाउ इन दिस लेसन स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट दी कंपनी फीचर्स इससे पहले हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर को समझा था टूडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी परपेचुअल सक्सेशन और इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है नाउ लेट अस बिगिन सो द मॉड्यूल पोर्शन वॉट इज अबाउट परपेचुअल सक्सेशन लेट अस रीड इट जनरल मीनिंग हम सबको पता है परपेचुअल का मतलब होता है अन एंडिंग राइट इसका मतलब जो कंपनी की लाइफ है इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इस्पेक्टिव ऑफ द लाइफ द स्टेटस ऑफ द मेंबर्स दैट क्रिएट द कंपनी द शेयर होल्डर दैट आर देयर इन दंपनी द लाइफ ऑफ द कंपनी इज परपेल ओके नाउ लेट एस रीड इट मेंबर्स में डाय और चेंज मतलब मेंबर्स मर सकते हैं बदल सकते हैं बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय एक्ट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट कैन ओनली एंड ओके बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ठीक है उसका जो जीवन है वो कब खत्म हो सकता है अगर कानून के हिसाब से उसे वाइंडिंग अप प्रोसीजर्स के थ्रू बंद किया जाए तभी कंपनी जो है वो बंद हो सकती है द शेज ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इंफाइनाइटली बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कंपनी के शेयर आज मेरे पास हैं कल आपके पास हैं परसों किसी और के पास हैं उसके बाद किसी और के पास हैं इट डज नॉट यू नो मेक्स एनी डिफरेंस डिफरेंस वाई क्योंकि जो कंपनी है वो तो निरंतर वैसी ही है उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली ठीक है बट दी दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और द स्टेटस ऑफ द कंपनी सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ लॉ अलोन मार्क करिए यहां पर लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ ठीक है इट कैन ओनली एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इन्सोल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स मेंबर्स की डेथ हो गई मेंबर को बीमारी हो गई मेंबर इंसोल्वेंट हो गए मेंबर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए वॉट एवर है मेंबर्स स्टेटस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाई द स्टेटस ऑफ दी मेम्बर्स अब यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है लेटस रीड इट मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर हंड्रेड इयर्स ठीक है तो अब आपका ये होमवर्क है यू हैव टू गूगल इट यू विल फाइंड इट वेरी इजिल फाइव कंपनीज दैट आर देर इन इंडिया सिंस लास्ट हंड्रेड ईयर्स मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओके तो ये आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताएंगे एंड देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपनीज वेन यू विट नो देर इज अस्ट ऑन विकीपीडिया एज वेल थॉट ऑफ अटैचिंग इट हेर बट आई थॉट की आप लोगों से ही पूछ लेते हैं तो पांच कंपनियों के नाम आप लोग मुझे बताइए राइट इन दी कॉमेंट बॉक्स बिलो जो सौ साल से ज्यादा भारत के अंदर है राइट दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी हैज परपिचुअल एक्सिस्टेंस देयर वॉज अ कंपनी विच हैज सेवन मेंबर्स अभी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं एक कंपनी थी जिसमें सात मेंबर्स थे एंड ऑल ऑफ देम डायट सभी मर गए इन एन एयरक्राफ्ट ओके एक्सीडेंट हुआ मर गए डिस्पाइट दिस दी कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होगा अगर पार्टनर्स खत्म तो पार्टनरशिप वहां पर इट विल सीज टू एग्जिस्ट ठीक है बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और जब तक लोग ही नहीं है जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट था तो अब वो लोग खत्म हो गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और कंपनी जो है इसके केस में ऐसा नहीं होता सभी मेंबर्स अगर मर भी जाए तो भी कंपनी जो है वहां पे एग्जिस्टेंस में रहती है सर एंड मैम आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अब यहां पे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है वैसे ईजी है टॉपिक ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं परपैचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का मेंबर्स <coughs> में कम मेंबर्स में गो कंपनी रिमेन्स फॉर एवर क्रिएशन ऑफ लॉ है एंड इट्स लाइफ कैन बी एंडेड बाय लॉ ओनली डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द कंपनी ओके अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स I hope now things are clear with you when you will read what is perpetual succession. And if somebody asks you, you will be able to make the point really very clear. Okay. So this was all for this video. Hope you enjoyed it. And please don't forget to like, share, subscribe, and comment. Thanks for watching. Have an awesome day. You guys are really very awesome. Have an awesome day. Enjoy.